ये जिस दरवाजे को हम अभी क्रॉस करें इसको पीर गेट कहा जाता है। देख लो हमारा आज का टारगेट, पहला पहाड़, दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, चौथा भी दिख रहा है। चार लेयर है तो बस इन्हीं को पार करना आज। मैं और श्रीकांत बाबू बात कर रहे थे अभी, तो मैंने पूछा कि सामने जब जुनू जो जगह आती है वहाँ पे रहने की जगह है, तो इनकी शॉप ही उधर है। तो उन्होंने बोला कि पहुँच के आप फ़ोन कर देना। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई है इन्होंने अपनी, यहाँ से स्टार्ट करके ये पुणे से और गोवा के बीच में राइड किया आपने। सुबह का नाश्ता है तो राजू भाव की तरफ से, और ये उनका घर है जिस मंदिर में मैं पीछे ठहरा हूँ उसके बिल्कुल सामने है। तो राजू भाव ने, काकी ने कई बार बोल के बुलाया जल्दी आओ खाना खाओ, तो मैं पहुँचा। थैंक यू राजू भाव। मैंने बोला कुछ बोलो आप कुछ बोलो। तो हिंदी आप दोनों को आता है बस? अच्छी नहीं आती, अच्छा क्या है? इधर महाराष्ट्र में मराठी चलता है, हिंदी बोलने का कुछ कारण ही नहीं है। पर अच्छा है, थैंक यू एक बार फिर से आप सबका। थैंक यू काकी, थैंक यू काका, चलो थैंक यू भाई, अच्छा चलो बाय बाय। चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का आज है डे 218 और जगह है बामनवाड़ा महाराष्ट्र। आज का सफर है शिवनेरी पहुंचने का, जो सिर्फ 35 किलोमीटर है। देखते हैं कितने टाइम में पूरा कर पाता हूं। लेकिन घाट का रास्ता है ना, सड़क अच्छी नहीं है तो टाइम लगता है। कल पूरा दिन साइकिल चलाने के बावजूद भी मैं 47.5 किलोमीटर ही कवर कर पाया था, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते। तो कल सबसे डिफिकल्ट दिन था मेरा पूरा, जब से मैं निकला हूँ घर से। इतनी डिफिकल्ट राइड तो मैंने कभी नहीं की। आज उम्मीद करो सब ठीक हो, और जल्दी मुझे पुणे पहुंचना होगा क्योंकि साइकिल के गियर में बड़ा इशू है। ऐसे घाटों पे मुझे चलना पड़ रहा है, इस कंडीशन में साइकिल को चलाना पड़ रहा है, तो थोड़ा संभल के चलने की जरूरत तो है। तो चलिए सफर शुरू कर दिया। अब देख लो हमारा आज का टारगेट, पहला पहाड़, दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, चौथा भी दिख रहा है। चार लेयर है तो बस इन्हीं को पार करना आज। लंबा दिन जाएगा फिर से, मजा आने वाला है। कल की अभी तक टांगे दर्द कर रही हैं, आज और होगा। लो जी एक और चढ़ाई चढ़ ली हमने। ये डाउनहिल आ गया है, थोड़ा सा मजा लेते हैं डाउनहिल का। अच्छे दिन खत्म, तो थोड़े से टाइम के लिए, पर चढ़ाई आ गई है। तो जी 2 घंटे राइड करके पहुंच गया हूँ अतुर। अतुर से अगला टारगेट रखा है शिवनेरी, जो अब 22 किलोमीटर है इस जगह से। तो शिवनेरी वो जगह है जहाँ पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा किला है, वो किला आज देखेंगे हम जा करके। ओतूर जो शहर है बाकी शहरों के जैसा ही लग रहा है,
उसी तरह की दुकानें, एटीएम शॉप्स, रिपेयर शॉप, सब वैसा ही है। तो उतुर में ये भाई मिले हैं और चाय के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मेरी खुद की इच्छा है चाय पीने की। आपका नाम क्या है? श्रीकांत थोरात। श्रीकांत भाव, अमित नाम है मेरा। अमित, अमित चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से। बिल्कुल। और मिर्ची अलग से खाने का? मिर्ची अलग से खाने का। अच्छा, एक बाइट लिया फिर मिर्ची खाया। हाँ, मैं तो ये अंदर ही डाल के कई बार आती है, कई बार नहीं आती है। कई लोगों को दिखा नहीं चलता ना। हाँ, ये बात है। उसके लिए कोई खाता है कोई नहीं खाता। जी, मैं और श्रीकांत बाबू बात कर रहे थे अभी, तो मैंने पूछा कि सामने जब जुनू जो जगह आती है वहाँ पे रहने की जगह है, तो इनकी शॉप ही उधर है। तो उन्होंने बोला कि पहुँच के आप फ़ोन कर देना। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई है इन्होंने अपनी, यहाँ से स्टार्ट करके ये पुणे से और गोवा के बीच में राइड किया आपने, और पुणे और शिरडी के बीच में भी राइड किया। तो ये खुद साइकिलिस्ट रहे हैं, खुद साइकिल पे राइड की है, और कैलिफोर्निया के दो राइडर्स को इन्होंने होस्ट भी किया अपने घर पे। कितनी कहानियाँ हैं हर जगह पे, कितनी कहानियाँ छिपी हुई हैं जो सामने नहीं आ पाती। बहुत बढ़िया जी, ऐसा लगता है मुझे कि ये कहानियाँ सुन के बड़ा अच्छा लगता है, बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। चाय पी ली, एक वड़ा पाव खा लिया साथ में, और वो भी श्रीकांत भाव की तरफ से। अब यहाँ से सफ़र शुरू कर रहा हूँ, तो 20 किलोमीटर और रह गया है। थोड़ा चढ़ाई उतराई वाला ये रास्ता है, इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र में ही आपको मिलेगा ही मिलेगा, चढ़ाई उतराई चढ़ाई उतराई। प्रॉब्लम ये कि मेरी बैक में ना कल पेन हो गया बहुत, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। कल थक गया था तो 9 बजे ही सो गया मैं, तो लेटते ही स्ट्रेचिंग की नहीं मैंने, तो आज थोड़ा रुक के स्ट्रेचिंग करूँगा। सामने लगा एक पोस्ट, साइन पोस्ट, औजर 15 है और लेनाद्री लिखा है 12.5। तो लेनाद्री से 4-5 किलोमीटर आगे ही है, तो 15 किलोमीटर जाना है अभी। दिख रहे ना आपको, एक दो और मेरे पीछे भी हैं दो, खेतों के अंदर बनाए गए हैं। इनके अंदर प्याज को स्टोर करके रखा जा रहा है, प्याज की खेती हुई, खुदाई की और इसमें डाल दिया, तो ये सब जगह बने हुए हैं। प्याज बहुत है इस तरफ, बहुत ज्यादा है। तो जी, ऐसे ऐसे घाट दिख रहे हैं सामने और वही चढ़े जा रहे हैं, पर अच्छे दिखते हैं, बहुत खूबसूरत है। अचानक से पहाड़ उठ के खड़ा हो जाता है प्लेन जमीन के साथ, देख रहे हो। ये रोड जा रही है जहाँ मुझे पहुँचना है। जुन्नर आ गया है, 1 किलोमीटर है, मुझे लेफ्ट टर्न लेना है और मलशेज और कल्याण के लिए इधर से राइट टर्न करने का है। कल्याण 112 किलोमीटर है, अपने को तो जाने का नहीं, तो अपन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 1 किलोमीटर जुन्नर। लो जी, हो गए लेफ्ट टर्न। शिवनेरी किले शिवनेरी इधर में लिखा हुआ है, बोर्ड लगा है, तो आज हम उधर भी जाएंगे। ऊपर पहाड़ के है थोड़ा, पर मैं क्या कोशिश करूंगा कि इधर मैं अपनी साइकिल छोड़ दूं, कोई लिफ्ट लेके उधर तक जाऊं, ताकि रिकॉर्डिंग पे मेरे को टेंशन ना रहे। देखते हैं क्या होता है। ये पुतला लगा है शिवाजी का, शिवाजी महाराज। ये चौक है, शिवाजी चौक। सीधे निकलूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा शिवनेरी, शायद उस पहाड़ के ऊपर मुझे दिख रहा है, तो वो चोटी पे, वो कॉर्नर पे आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है, तो शायद इसी के ऊपर है शिवनेरी फोर्ट। तो शिवनेरी अब 1 किलोमीटर है, राइट टर्न करना है। सीधे ही जाऊंगा तो कुसूर पहुंचूंगा, और ब्रह्मनाथ मंदिर पांडे के लिए लेफ्ट जो 8 किलोमीटर है। पूरा क्लाइम कर रहा हूँ इस वक्त पे, हालत ख़राब हो जाती है क्लाइम करते करते, बैक में बहुत पेन है इस वक्त, कोशिश करूँगा आज थोड़ी रेस्ट करूँ कहीं पे। तो श्रीकांत भाव इधर बैठे हैं, दामले इधर से ही ना, जुन्नर से। हाँ, जुन्नर से हैं। तो इन लोगों ने मेरी हेल्प की है, और अभी यहाँ से मैं स्टार्ट करके जो फोर्ट है शिवनेरी का, वो हम लोग क्लाइम करेंगे। साइकिल को यहाँ छोड़ दिया है, तो श्रीकांत भाई इसलिए आए यहाँ पे कि ताकि मेरी साइकिल यहाँ रखवा दें कहीं पे, और फिर मैं वॉक करके जाऊँ और वापस आ जाऊँ। सावंतवाड़ी में स्टे का मेरी हेल्प करने वाले हैं दामले जी।
जब आप एंटर होंगे सीढ़ियाँ चढ़ के पार्किंग वाली साइड से, तो इसे महादरवाजा कहा जाता है। इसी दरवाजे से आप अंदर एंटर होते हैं। ऐसे ऐसे टोटल 7 दरवाजे बनाए गए हैं इसमें, जो अलग अलग दिशाओं में हैं। ये पार्किंग से आने वाली सीढ़ियाँ आपको यहाँ तक लेकर के आती हैं। अभी मैं मुख्य दरवाजे यानी मेन दरवाजे के ऊपर खड़ा हूँ और व्यू बहुत अच्छे हैं यहाँ से। मीटर आगे चल के हम लोग पहुँचे एक और दरवाजे की तरफ। इसमें भी लकड़ी का दरवाज़ा है मोटा, और साथ में वो कीलें लगाई गई हैं उसमें। और ये दीवार देखो, अगर दुश्मन यहाँ तक पहुँच भी जाता तो शायद ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करेगा। ऊपर आपको किले की दीवार नज़र आ रही है। शिवाजी महाराज बचपन का काफ़ी टाइम उन्होंने अपना यहाँ पर बिताया, इसी किले में। तो पैदा यहाँ हो गए, उनका बचपन यहाँ पर बीता। जिस दरवाजे को हमने अभी क्रॉस किया, इसका नाम गणेश दरवाजा है। सीढ़ियाँ चढ़ लगी हैं, इसके ऊपर आप चढ़ सकते हैं। सीढ़ियों को चढ़ के आप ऊपर वाले बुर्ज तक पहुँच जाएंगे, वहाँ पर एक बुर्ज आपको नजर आ रहा होगा। हम में से कोई आज की डेट में कहेगा कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छे नजर आते हैं, लेकिन उस वक्त पे हाइट पे किला बनाने की वजह ये हुआ कर ताकि सेफ्टी रखी जा सके। दुश्मन अगर अटैक कर रहा है तो आपको दूर से दिख जाए कि दुश्मन आने लगा है, ये पर्पज रहा जाता था किलों को ऊंचाई पर बनाने के पीछे। कुछ ही दूरी पे एक और दरवाजा आपको नजर आ रहा है। ये जिस दरवाजे को हम अभी क्रॉस करें, इसको पीर गेट कहा जाता है। बाकी दरवाजों के कंपैरिजन में ये थोड़ा बड़ा दरवाजा है, और इसमें सैन्य सामग्री भी ज्यादा रखी गई और स्पेस भी ज्यादा है। इस किले के अंदर पीर की दरगाह, मंदिर और मस्जिद, ये तीनों मौजूद हैं। आजकल लोग इस किले को एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी यूज करते हैं, परिवार के साथ यहाँ आते हैं और पिकनिक मनाते हैं। करीब 400 मीटर ग्राउंड लेवल से मैं ऊपर आ गया हूँ और नज़ारे बहुत ही अच्छे हो चले हैं हर तरफ।